नमस्कार दोस्तों, ऑटो ट्यूबर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बजाज की डोमिनार और ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ड्रीम सीरीज जिसमें जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी बाइक या कार अपनी पसंद से खरीदी है अपनी कमाई से, तो वो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं और वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाली है। और फिलहाल में ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये हैं आरपी भैया की। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाई। और आरपी भैया की है, इनका यूट्यूब चैनल है आरपी कार व्लॉग्स करके और इन्होंने अपनी फर्स्ट कमाई थी पहली कमाई से ये पहली बड़ी कमाई इनफैक्ट कहेंगे तो उनसे ये बाइक खरीदी है। भैया सबसे पहले बताइए कितने की पड़ी है आपको? 2,30,000 रुपए की। मतलब एक महीने में 2,30,000 रुपए की बाइक लेकर? ओके, तो 2-3 महीने की कमाई मिला के तो बड़ी आई थी अपने थोड़ा मिक्स करके। अच्छा, तो भैया ने ये बाइक ली है भाई और आप सभी लोग का अगर ड्रीम है ये बाइक तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। और फिलहाल मैं सबसे पहले इसका वॉक अराउंड दे दूं, फिर भैया जो स्टोरी है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसी इसकी लाइट्स मिलती हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूं, कुछ ऐसी इसकी लाइट्स दिखती हैं। और भाई डोमिनार मेरी मतलब कह लो पहली पसंद थी, अगर मेरे पास 2,00,000 रुपए होते तो डोमिनार जरूर मैं लूंगा। और कुछ ऐसा इसका साइड का लुक मिलता है आपको। भैया इसमें इंजन कितने सीसी का मिलता है? सबसे 250 सीसी पावर कितनी जनरेट करता है? सॉरी, कोई आइडिया नहीं? आइडिया तो नहीं है लेकिन आप समझ, चलाने में मजा आती है बहुत ज्यादा। हंस के जाती है, 150 हंस के टच होती है। 150 आपने इसको चला रखी है? 250 के इंजन में मेरे पास 220 भी ऑलरेडी। अच्छा, पल्सर 220 भी है? मैं उसको ले आता था लेकिन थोड़ी कम लगने लगी पावर। अच्छा, 150 और ये टूरिंग वाली है, जैसे मेरा ब्लॉग चैनल भी है तो मैं उसमें थोड़ा सा ब्लॉगिंग बनाने के चक्कर में। भैया बता रहे हैं जैसे कि 150 किलोमीटर की स्पीड से भी चल जाती है, तो भाई काफी सही है यार। यहाँ पे आपको इसका रेडिएटर जो मिलता है, कुछ ये इंजन इसमें आपको बजाज का ही मिलेगा, पीछे और आगे दोनों डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। और ये भाई एग्जॉस्ट, एक बार मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ एग्जॉस्ट को। पीछे की बात करें तो कुछ ऐसी इसकी टेल लाइट्स मिलती हैं जो भी काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं यार पीछे से देखने, मतलब लगती है कि बाइक है। और ये इसका एग्जॉस्ट, तो मतलब पब्लिक मुड़ के देखती है जब रेव करते हैं, लगती है भाई। अभी रोडों में इतनी दिखा ना, मैंने एक बार लाइट देखा लाइट। हाँ, एक बार लाइट और दिखा देता हूँ मैं आपको, व्हाइट लाइट, पूरी एलईडी सेटअप मिलेगा और भाई काफी सही लाइट भी है यार। और मीटर एक बार मैं दिखा दूँ इसका, एक बार मीटर देख लो। तो कुछ ऐसा इसमें आपको मीटर देखने को मिलता है, पूरा डिजिटल मिलेगा जिसपे, अच्छा ये पूरा वो बूट हाँ, भी होता है, पूरा होता है। तो भाई काफी सही चीज है। और यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ से आप लाइट वगैरह ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं भाई फिलहाल में कि भैया की यूट्यूब जर्नी कैसी रही, जैसा कि वीडियो का टाइटल है अपना। भैया कब आपने अपना चैनल शुरू किया था? यार मुझे अभी दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। दिसंबर 2019 में मैंने शुरू किया था अपना चैनल। हाँ, तो मुझे 2 साल पूरे दिसंबर में हो जाएंगे, मतलब मेरा तो कार का ही चैनल है। कार का चैनल है। और तो भाई ये वीडियो है उन लोग के लिए जो अपना कार का या व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, उनको हेल्प हो जाएगी। भैया आपके 1,000 सब्सक्राइबर कब कम्प्लीट हुए थे? मुझे यार 3.5 महीने लगे थे। 3.5 महीने में लगे थे, मार्च में जाके हुआ था मेरा। हाँ, और थोड़ा सा मेरा चैनल कंटेंट मतलब नॉर्मल कार से नहीं था, मेरा थोड़ा सा यूनिक टाइप मैंने बनाया था दिल्ली वालों को देख के। अच्छा, बेसिकली मेरा कार सेलिंग का बिजनेस था। कार सेलिंग का बिजनेस, मतलब कार सेलिंग तो सभी कर रहे हैं, अपन थोड़ा अलग क्या करें। अच्छा, सोच के अपन ने क्या करें कि यूट्यूब में डालते हैं माई कंट्री माई राइड, एक चैनल है। हाँ हाँ, माई कंट्री माई राइड देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ था मैं। अच्छा अच्छा, अरुण पवार भाई हो गए अपने, अरुण पवार भाई को देख के थोड़ा अपन इंस्पायर हुए थे। तो सेकंड हैंड कार चैनल अपन एक बनाए थे, अपनी गाड़ियां सेकंड हैंड कार मतलब उनके थ्रू बिकवाए। ओके, तो भैया ने बताया कि 3 महीने में लगभग 1,00,000 सब्सक्राइबर, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए थे साढ़े तीन महीने में। और भैया अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? अभी अपने 57,000 हो गए हैं। 57,000। और मैं एक बात बताऊं, भैया की एक वीडियो थी MG एस्टर वाली, भाई वो 2 मिलियन टच की थी उस वीडियो ने, और 2 मिलियन पार भी हो गए हैं। 2 हफ्ते लगे थे 2 मिलियन। ओ भाई साहब, तो एक एक पॉइंट पूछूं, बता सकते हो उस वीडियो से आपकी कितनी इनकम हुई? यार ऐसे तो नहीं बोल सकते, एक आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लो। एक आईफोन 13 प्रो मैक्स, शिट मैन। तो भैया की मैंने बताया 2 मिलियन पार कर चुकी है वो वाली वीडियो। और एक अपने वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, तो अभी आपने फोन भी लिया है नया, तो भैया का फोन भी एक बार दिखाइए। अरे भैया ने भाई आईफोन लिया है और आईफोन के साथ साथ भाई ये भी खड़ी है अपनी, तो काफी सही जा रहा है मतलब चैनल। और भैया पापा वगैरह घर पे खुश हैं? सब बढ़िया है। देखो क्या होता है यार इसमें, अभी इसमें एक एक ईंट लगाने वाला काम है थोड़ा, आपको शुरू में 1-1.5 साल कोई अर्निंग नहीं आएगी। कोई अर्निंग नहीं आएगी, अर्निंग देख के यूट्यूब में आ रहे हो तो कभी बताओ।
मैं आपको मना करूंगा। आप भी ऐसे यूट्यूबर हो, आपको पता है, एक डेढ़ साल अर्निंग सोचो ही मत, सोचे इतना कंटेंट फ्यूचर मतलब करोगे ना फोकस, जब आपकी ऑडियंस बनती जाएगी, ऑडियंस बनती जाएगी तो यूट्यूब से ही नहीं, स्पॉन्सर से इतना कमाओगे की यूट्यूब का पैसा बहुत कम लगने लगेगा। स्पॉन्सरशिप से ही इतना पैसा मिलता है और आपको अभी तक स्पॉन्सरशिप तो अच्छी खासी मिल चुकी है। मुझे मतलब लोकल स्पॉन्सर भी अच्छी मिलती है, ऑनलाइन स्पॉन्सर जैसे अपस्टॉक्स वगैरह हो गए, मैंने अपस्टॉक्स की भी की है, अभी माई 11 सर्कल है उसकी भी कर रहा हूँ मैं। ओ मतलब काफी बड़े बड़े लोग से टच होने वाला है आपका धीरे धीरे। तो भाई ये सा सीन इनका भैया का मैंने बताया और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं यार। मतलब इनका चैनल मैं भी इनके मिलने से पहले इनफैक्ट मैंने इनका चैनल देखा हुआ था और आज मिल पाए हैं भैया इतने दिनों के बाद, तो वो भी काफी सही चीज़ है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि भाई इतने मेहनत से इन्होंने अपना चैनल ग्रो किया है और सारी चीज़ें की हैं और घर पे भी सारे लोग खुश हैं, क्योंकि भाई एक आप ग्रो होते हो तो केवल आप नहीं ग्रो होते हो, पूरी आपकी फैमिली इनफैक्ट ग्रो होती है। तो भैया आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके और एक्सपीरियंस आपका शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ग्रो हो, काफी अच्छा काम कर रहे हो और जल्दी ग्रो होगे भी। तो जैसे कि भैया ने बताया कि एक नीच पकड़ो आप लोग और उसके ऊपर कंटेंट बनाओ अगर आप यूट्यूबर हो, और अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो भाई भैया की लाइफ से इंस्पायर हो सकते हो यार, बहुत सही चीज है, छोटे लेवल पे इनफैक्ट और ग्रो हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इनका चैनल 40,000 सब्सक्राइबर में देखा था और आज 60,000 कुछ हो चुके हैं, तो भाई 20,000 सब्सक्राइबर कितने महीने में, एक महीने में, ओ भाई एक महीना भी नहीं और 20,000 सब्सक्राइबर आपने ग्रो किए हैं, तो अचानक बढ़ता है। ओके कंटेंट अच्छा, 150 से ऊपर, वाओ। तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और आपको ये ड्रीम सीरीज कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी लोगों का प्लान है लाने का जो कि छोटे बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने पैर पे खड़े हो चुके हैं या ग्रो कर रहे हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।